दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ रागी का समोसा। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई समोसा है तो हेल्दी कहाँ से होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं किया है। ये बना है विदाउट ऑयल। और दूसरा, इसमें मैंने रागी इंक्लूड किया है। इसके अपने ही बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इसमें कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। इवन आपके वेट लॉस रिड्यूस करने में ये बहुत हेल्प करता है और आपकी बोन स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो फिर चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस हेल्दी रेसिपी को बनाना। लेकिन इसको बनाने से पहले गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की सरल और नई रेसिपी मैं आपके सामने पेश करती रहूँगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रागी का समोसा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल रागी लिया है। उसके साथ मैंने यहाँ पर एक बाउल आटा लिया है, जिससे रोटियां बनाते हैं नॉर्मल, ये वही आटा है। और इसके अलावा यहाँ मैंने आधा बाउल सूजी ली है। आप इसके जगह मैदे का भी यूज कर सकते हैं, मैदा या आटा मिलाकर भी यूज कर सकते हैं, या आटा या सूजी मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये हेल्दी समोसा बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ये रागी इंक्लूड किया है। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने करीब 5 से 6 बॉइल्ड आलू ले लिए हैं और पनीर ले लिया है, जिसको मैंने ये पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको पनीर का टेस्ट पसंद है तो आप लीजिए, वरना खाली आलू की भी स्टफिंग बहुत अच्छी लगती है। मसालों में मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून या अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक लिया है, 1 टेबलस्पून हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर लिया है और ये जीरा पाउडर है, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। यहाँ मैंने अजवाइन ली है थोड़ी सी, और उसी के साथ मैंने 1 टेबलस्पून जीरा और थोड़ी सी 1 पिंच हींग ली है। तो चलिए अब फिर बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए ये मैं साइड में रख देती हूँ, और ये मैंने आलू ले लिए हैं। सबसे पहले मैं सारे आलू को पील कर लूंगी। अब यहां मैंने ये सारे आलू पील कर लिए हैं। दूसरी साइड यहाँ मैंने ये फ्राई पैन भी रख लिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। इसमें मैं ये मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगी, तेल को गरम होने देंगे। अब तेल भी गरम हो चुका है, इसमें मैं ये हींग जीरा जो था वो डाल दूंगी, हिला लेंगे अच्छे से। फ्लेम को कम रखेंगे, उसके बाद ये हल्दी डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो आलू लिए थे इनको भी मैं क्रम्बल करके डाल दूंगी। मैं डायरेक्ट इसी में डाल रही हूँ, आप चाहें तो पहले क्रम्बल कर लें या फिर डालिए। इनको मैं पूरी तरह से मैश नहीं कर रही हूँ, सिर्फ टुकड़ों में इनको तोड़ रही हूं। अब अच्छे से हिला लेंगे इसे। इसी के साथ मैं ये जीरा पाउडर भी डाल दूंगी और अमचूर पाउडर भी डाल दूंगी, और साथ में ही ये कटा हुआ पनीर भी इसमें डाल दूंगी। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ऊपर से मैं ये नमक भी डाल दूंगी, थोड़ा सा नमक मैंने यहाँ बचा दिया है, इसको भी अच्छे तरह से मिला लेंगे।
ये स्टफिंग भी हमारी रेडी हो गई है, ये देखिए ड्राई हो गई है एकदम। फ्लेम ऑफ कर देंगे, अब स्टफिंग को बॉल में निकाल लेंगे। इसको साइड में रख देंगे। अब समोसे के लिए डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने इस तरह का एक बाउल ले लिया है, आप परात में भी डो रेडी कर सकते हैं इसका। इसमें मैं ये रागी फ्लोर डाल दूंगी, गेहूं का आटा डाल दूंगी और सूजी भी डाल दूंगी। ये कैरम सीड लिए थे, इनको हाथों में एक बार अच्छे से क्रश कर लेंगे और ये भी डाल दूंगी। और ये जो बचा हुआ नमक था वो भी इसमें डाल दूंगी। अब इसको अच्छे तरह से हिला लेंगे ताकि आपस में मिक्स हो जाए। और ये मैंने थोड़ा सा लाइक 1/4 टेबलस्पून घी लिया है, वो भी इसमें डाल दूंगी। अब हाथों की सहायता से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे तरह से मिक्स हो गया है, ये देखिए ये बाइंड भी हो रहा है। जब ये बाइंड होने लगे तो दैट मीन्स कि इसमें मोयन अच्छे तरह से लग चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको नीट कर लेंगे। अब ये मैंने आटे को गूंथ लिया है, उसके बाद यहाँ मैंने चकला ले लिया है। अब मैंने इतनी एक लोई तोड़ी है, थोड़ी सी ज्यादा तोड़ी है क्योंकि एक लोई से हम दो समोसे बनाएंगे। मैं इसको रोलिंग पिन की सहायता से बेल रही हूँ। अगर जरूरत है तो आप व्हीट फ्लोर भी इसमें लगा सकते हैं बेलने के लिए। इसको ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा बेलना है, जैसे रोटी के लिए बेलते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसको बेलते जाना है। अब ये देखिए ये मैंने बेल लिया है, ये मैंने इतना मोटा रखा है। अब बीच में से मैं इसे कट कर लूंगी। बेल बेल के मैं ये सारी इसमें रख लूंगी। दूसरा भी हमें सेम इसी तरह से बेलना है। अब ये मैंने सब तैयार करके रख लिया है, इनको बीच में से कट भी कर लिया है। तो चलिए अब इसमें फिलिंग भरते हैं। ये मैंने एक ले लिया है, इसमें मैं यहाँ पानी लगा लूंगी। अब इसको पहले रोल कर लेंगे। इसको मैंने ऐसे रोल कर दिया है, यहां से बंद कर देंगे, अच्छे से चिपका देंगे। अब इसमें फिलिंग भरेंगे। पहले थोड़ा सा मैं अंदर डालूंगी ताकि थोड़ा अंदर तक चले जाए। ये मैंने इसमें आलू भर दिए हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर से गैप छोड़ दूंगी। पानी लगा लेंगे अच्छे से। अब इसको मैं बंद कर दूंगी। अच्छे से यहां से इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो ये बेक होते समय खुल सकता है। ये देखिए एक रागी समोसा हमारा रेडी हो चुका है बेक होने के लिए। तो इसको अब हम साइड में प्लेट में रख देंगे। अब इसी तरह से दूसरा भी रेडी कर लेंगे। यहां मैं पानी लगा दूंगी एक के ऊपर, ऐसे मैंने रखा। इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी लगा दूंगी हल्का सा। इसको इसके ऊपर रख लिया और अच्छे से इसको ऐसे चिपका देंगे। पानी लगा देंगे थोड़ा सा। अब इसको यहां से लॉक कर देंगे। ये देखिए दूसरा रागी समोसा भी हमारा रेडी हो चुका है, इसको भी अलग प्लेट में रख लेंगे। सारे समोसे हम इसी तरह से स्टफिंग भरकर रेडी कर लेंगे। अब ये मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। इन समोसों को मैंने ये घी से ग्रीस कर लिया है, आप चाहें तो इनको मलाई से भी ग्रीस कर सकते हैं। और दूसरी साइड मैंने ये कढ़ाई रख ली है,
फ्लेम ऑन कर दिया है। उसके बाद मेरे पास इस तरह का एक स्टैंड है, मैं ये रख लूंगी इसमें। और ये इस तरह की मैंने एक थाली ले ली है, इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, ये भी इसमें रख दूंगी। ऊपर से लेड लगा देंगे और हाई फ्लेम में मैं इसको 5 मिनट के लिए हीट होने दूंगी। अब 5 मिनट हो चुके हैं, कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है। इसमें ये समोसे डाल देंगे। लेड लगा देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में मैंने इसे 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दिया है। एक बार बीच में चेक कर लेंगे कि ये अच्छी तरह से बेक हो रहा है या नहीं। अब ये समोसे बेक हो चुके हैं, इनको मैंने प्लेट में भी निकाल लिया है। अब सारे समोसे इसी तरह से बेक कर लेंगे। अब ये सारे समोसे भी बेक हो गए हैं और मैंने इनको अलग एक प्लेट में भी निकाल लिया है। दोस्तों, इसमें रागी फ्लोर मिला है तो इनका कलर नॉर्मल समोसे से थोड़ा सा डिफरेंट आया है, पर यकीन मानिए ये खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं जितना आप मैदे के समोसे इंजॉय करते हैं। दोस्तों, इसमें रागी फ्लोर मिला है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी समोसे हैं। इसमें किसी भी तरह का मैंने ऑयल यूज़ नहीं किया है। तो इस दिवाली मेरी ये हेल्दी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन पे देना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई और सरल रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।